हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक पनीर का कोफ्ता। तो पालक पनीर का कोफ्ता बनाने के लिए हमने जो है पालक ले लिया है, धुलकर साफ़ कर लिया है। इसके डंठल हमने अलग कर दिया है और हमने सिर्फ पत्तियां पत्तियां ले ली हैं तोड़ के। इसमें डंडी नहीं जानी चाहिए। पत्तियां तोड़कर हमने एक पतीले में पानी रख दिया है उबलने के लिए। पानी जब उबलने लगा है, गैस हमने बंद कर दिया है और उसी में हमने ये पत्तियाँ डाल दी हैं पालक की। पालक की सारी पत्तियां हमने ऐड कर दी हैं और ऐड करने के तुरंत 1.5 से 2 मिनट के बाद हमने एक छोटे से बाउल में पानी लिया है, बिल्कुल चिल्ड वाटर, और 2-3 टुकड़ा मैंने बर्फ़ का भी डाल दिया है। तुरंत आप गर्म पानी में डालने के बाद पालक निकाल कर ठंडे पानी में डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका पालक का जो कलर है वो कभी भी ब्लैक नहीं पड़ेगा। मैंने कोई नींबू, कोई चीनी, कुछ भी नहीं डाला है इसमें। सिर्फ यही प्रोसीजर अपनाइए, यही इतना काफ़ी है। अभी मैं आपको इसको मिक्सी में चला के दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया है। देखिए, एकदम ग्रीन ग्रीन कलर आया है। इसी तरीके से आप पालक पनीर भी बनाइए, उसका भी कलर बिल्कुल ऐसे ही आता है। अब इस बाउल में मैंने उसकी डंडियाँ जो निकाली थी, उस डंडियों को पीस लिया है। उसी डंडियों के पेस्ट में मैंने 1 कप बेसन डाला है और 1 कप ग्रेट की हुई पनीर, और इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, ये डालकर इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश करके मैश इसमें अच्छे से मैश करिए कि कोई भी लम्स ना पड़े इसमें। और मैश करके इसके छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। हाथ से बन जाएगा बॉल आपका। मैंने सारी डंडियाँ नहीं डाली थी, थोड़ी ही पीसी है मैंने। उससे क्या होता है कि डंडियों को पीसने से ये जो मेरे कोफ्ते हैं ये बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं और ये अंदर तक बिल्कुल इसका जूस एग्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, आप जो भी चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं फ्राई करके बॉल्स छोटे छोटे हाथ से बना के मैं निकाल रही हूँ इसको। अभी देखिए, मैं सारे बॉल्स इसी तरीके से फ्राई करके गोल गोल शेप आप कोई भी दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग शेप देके भी आप ये कोफ्ते बना सकते हैं। लेकिन ये कोफ्ते बनते बहुत टेस्टी हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने ये इसमें जो है सारे कोफ्ते एक एक करके मैंने सारी बॉल बना लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा चम्मच की सहायता से। इसके ऊपर अभी मैं तेल डालूँगी जिससे कि आपके कोफ्ते ऊपर से भी थोड़े से हो जाएंगे, जिससे पलटने के बाद ये आसानी से पलट जाएंगे। पलटने के बाद ये चिपकेंगे नहीं, ना तो चम्मच में चिपकेंगे और ना तो कढ़ाई में चिपकेंगे। वैसे ये चिपकते नहीं हैं, अच्छे से मतलब हो जाते हैं, कोई इसमें वैसी बात नहीं। और बहुत अच्छा फूलता है ये। मैंने कुछ भी कोई मैं कोफ्तों में बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला है। मैंने देखे कोफ्ते कितने अच्छे फूल रहे हैं। अब हमारे सारे कोफ्ते लगभग रेडी होने वाले हैं। अभी मैं इसको थोड़ी देर और सेकूँगी, सेक करके मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। चलिए, अब हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, मैं इनको भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक के बाद एक मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब देखिए हमारे कोफ्तों का कलर कितना अच्छा आया है। अब सारे कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। इसी कढ़ाई में तेल ज़्यादा था, मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है, थोड़ा सा ही तेल डाला है इसमें मैंने। अब इसमें हमने अदरक, कोई ज़्यादा मसाला डालना नहीं है, कुछ भी मैंने पीसा नहीं है इसमें। सिर्फ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। लाल मिर्च भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पालक के कोफ्तों के लिए ग्रीन कलर चाहिए, इसीलिए मैं कोई टमाटर नहीं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी हमें, क्योंकि ग्रीन कलर में ही कोफ्ते पता कैसे चलेगा कि ये पालक के कोफ्ते हैं। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भून के इसमें प्याज डालकर ब्राउन होने तक भूनूंगी मैं इसको। और उसके बाद में मैं इसमें जो मसाले ऐड कर रही हूँ वो आप लोग ध्यान से देखिए। हमने इसमें 1/2 चम्मच धनिया ऐड किया है। धनिया अगर आप नहीं डालेंगे तो भी आपके पालक का और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धनिया तो आप डालें या ना डालें ऑप्शनल है। हल्दी और गरम मसाला 1 चम्मच हल्दी डालें, हल्दी से आपका कलर और खिल के आता है कोफ्तों का। 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, बाकी कोई मसाला कुछ भी इसमें नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये मसाले आपके तुरंत हो जाएंगे और आप इसमें अपना पालक का जो हमने पत्तियों का पेस्ट बनाया था पिसा हुआ, उस पेस्ट को ऐड कर देंगे।
ग्रेवी आपको पतली रखनी है या मोटी रखनी है, वो गाढ़ी रखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। अब ये जैसे ही पकने लगेगा हम तुरंत इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे और एक दो बार हम इसको चलाएंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। कोफ्ते मेरे रेडी हैं, इसको इस पे मैंने थोड़ा सा पनीर डाल के ऊपर से हमने गार्निश किया है। आप चाहें तो इसमें मलाई भी ऐड करके गार्निश कर सकते हैं, आप मलाई का भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारे कोफ्ते देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये देखिए हमारा कोफ्ता बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये पालक पनीर के कोफ्ते बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं इनकी प्लेटिंग करती हूँ, देखिए अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ पालक पनीर के कोफ्तों को। अब देखिए कलर बहुत अच्छा आया है इसका, कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो आप हमें बताइए कि आपको हमारी पालक पनीर के कोफ्तों की रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और हमारे रेसिपी को लाइक कीजिए प्लीज़।